ऑफिस तो गए नहीं, तो थक कैसे गए? Are you spying on me? Are you cheating on me? Are you out of your mind? Hello? Hello? Eamon? You hung up on me? Unbelievable! Oh shit! छोटा सा एक्सीडेंट था, वो बंदा बोल ही जा रहा था और हाथापाई हो गई। हाथापाई? तुम इतना गुस्सा कब से आने लगा है? Really? तुम ये सवाल अपने आप से नहीं पूछती? आपके कहने का मतलब ये है कि टॉम और जेरी दोनों चाहते ही एक चीज है लेकिन इजहार नहीं कर रहे। बिल्कुल। और वो डिवोर्स है। बिल्कुल। कोई किसी को पसंद नहीं करता, शादी लेकिन फिर भी करते हैं और दो दिन बाद नफरत होने लगती है, कोफ्ता नहीं लगती है उसी इंसान से, लेकिन फिर भी वो शादी जरूर करेंगे और फिर जश्न भी मनाएंगे हर साल कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। Here, have some cake. Happy anniversary. आज हमारी एनिवर्सरी नहीं है और शायद अब कभी हो भी ना। तुमने सब कुछ सुन लिया? सब कुछ। कहा था ना, शादी नहीं बर्बादी है। Yep. So finally she's back home. बड़ी मुश्किलों से मैंने उसको वहां से निकाला है। Oh, I am telling you, ये लड़की आ तो गई है but she is not going to stay back. ये वापस चली जाएगी और इस तरह तो इशू रिजॉल्व ही नहीं होगा ना, मसले का तो कोई हल निकलेगा ही नहीं ना। पांच डिफरेंट ब्लू के शेड्स दिखाए मैंने उसे, टर्कोइज ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू, बेबी ब्लू, स्काई ब्लू, पाउडर ब्लू। आपको पता उसने क्या कहा? उसने कहा ये सारे सेम है। वो डिजाइनर्स बेचारे जो खून पसीने की मेहनत करके ब्लू के पांच डिफरेंट शेड्स बना रहे हैं, उनको अगर पता चल जाए कि ये कलर ब्लाइंड अंधी डॉल्फिन को सारे सेम लगते हैं तो वो खुदकुशी ना कर ले। मैं कोई पुतला लग रहा हूं? क्या जरूरी है कि हर शेड मेरे ऊपर ट्राई करे? बाकी लोग देख के मुझ पर हंस रहे हैं, हाउ एंबैरेसिंग। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये सिर्फ मुझे एंबैरेस नहीं कर रही बल्कि पूरी इकॉनमी को डुबा रही है। कहा था ना मैंने, लोमड़ी है वो लोमड़ी, कितनी चलाकी से अपने सारे फ्लॉस छुपा के मेरे घर वालों की बुराइयां करती है। ये बर्तन तो मैं लेके आई थी ना, वेरी गुड क्वालिटी। ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट ब्रांड्स। अब मैं आपको बताती हूँ आगे क्या। तो बजार साहब आपस की बात है, ये शर्ट जो आपने पहनी है बड़ी डिसेंट लग रही है। थैंक यू, बड़ी एक्सपेंसिव भी है। अपना अपना टेस्ट है जी। कहाँ से ली है? वैसे मैंने ये शर्ट ना पूरे 250 रुपए मिली थी जैनब से। हाँ, अरे भाई 250 रुपए ऐसे मिनटों सेकंडों में उड़ा दिए, इतनी फजूल खर्ची, वेरी एक्सपेंसिव। उफ, काश ये जमीन फट जाए और मैं इसमें दफन हो जाऊं। काश काश ऐसा हो जाए। ओके रिलैक्स गाइस, कोई मुझे बताएगा क्या हुआ है? यू विल नॉट बिलीव दिस वुमन, मेरे बॉस की वाइफ को इसने धक्का दिया है ओवर अ सूट। क्या कर रही हैं आप? छोड़े ड्रेस। ओह वो उन्हीं डूइंग, तुम कर क्या रही हो? बाद में बताऊंगी, पहले ड्रेस खींचो। खींचो। मुझे क्या पता था वो बढ़िया इसके बॉस की बीवी है। अनबिलीवेबल। तुम जुर्म की दास्तान सिर्फ मजलूम सुना सकते, जालिम सिर्फ बहाने बनाते। क्या जुर्म? क्या मतलब जुर्म? मैं तुम्हें कोई क्रिमिनल लगता हूँ? मैंने किसी का कत्ल किया है? लेकिन ऐसा सोच और उसके ख्वाहिशात का कत्ल, कत्ल नहीं। इवन तो क्या करूँ? हाँ, सारा काम वाम छोड़ के तुम्हारे साथ घर पे बैठे रोमांस करता रहूँ? इज दैट व्हाट यू वांट? यही वादा था। मैंने इस तरह का वादा कब किया है? 24 जून 2016 2:23 शादी के बाद मैं तो काम ही नहीं करूंगा, मैं होऊंगा, तुम होंगी और हमारा रोमांस। क्या ये सच है? मैंने ये कब किया? कम ऑन, मतलब मुझे 16 मिनट पहले की बात याद नहीं होती, तुम 2016 की बात कर रही हो, दैट्स नॉट फेयर। और मैं इतना स्टूपिड वादा क्यों बनाऊंगा? क्या मैं शक्ल से इतना बेवकूफ लगता हूँ? आई हैव स्क्रीनशॉट्स। मियां बीवी के बीच हेल्दी रिलेशनशिप की बुनियाद, मानो या ना मानो, प्यार। सिर्फ आई लव यू बोलने से प्यार नहीं होता भाई, निभाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। हमारे यहां तो दो लोगों को भी रिश्ते में ऐसा जोड़ा जाता है जैसे दो तोतों की जोड़ी को जोड़ा जा रहा। लव इज
एडजस्टमेंट। देखिए एक तो होता है ना कि ख्वाब पूरे ना हो पाए, एक होता है ख्वाबों का मर्डर किया जाए। उसने मेरे ख्वाबों का मर्डर कर दिया और उसे पता ही नहीं है। आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं? आपको पता होना चाहिए ना। ओके, जानते छोटे जी बॉस, लोगों के दिलों में इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि लोगों को लगता है कि नफरत करना आसान है और मोहब्बत करना मुश्किल। और चूंकि उनको लगता है कि नफरत आसान है, इसलिए उनको यही बात समझाना मुश्किल। देखिए 101 तलाकें जुमेरात रात 9 बजे, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।